हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो ऑडिटिंग में एमसीक्यू से घुमा फिरा क्या था, तो आपको रेडी रहना है, राइट? आ जाओ। तो सबसे पहले क्या दिया है इधर क्वेश्चन में, एनालिटिक रिव्यू। तो एनालिटिक रिव्यू कहाँ काम आता है, मालूम है? रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, कंप्लेंस प्रोसीजर होता है एनालिटिक रिव्यू, ओके? क्रॉस चेकिंग करता है। एंड ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर, तो कभी बनाना पड़ता है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट का वर्क काम होने से पहले ये बनाना पड़ता है, राइट? ये सब नहीं है ना। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, ऑडिट का मेन काम क्या है? डिटेक्शन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ऑफ फ्रॉड होता है, ठीक है? ये तो सिंपल था। डेटर आर वैल्यूड एट, डेटर को हमेशा बुक वैल्यू पे वैल्यू करते हैं, बुक वैल्यू बोला तो बैलेंस शीट वैल्यू, ठीक है? ये बोला है। इसके बाद डैश इनकॉर्पोरेट बोथ अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट बोलते हैं इसको, बोथ अकाउंटिंग और ऑफिस का काम देखता है। फिर इसके बाद बोला कि ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इज कंपल्सरी अंडर कंपनीज एक्ट 1956, है ना? अगर 2013 आया था 2013 लिख देना, क्योंकि ये बुक ओल्ड है ना। तो और बाद में क्या दिया इधर आपको, मैज ऑफ फॉलोइंग दिया है। तो ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर मस्ट बी, शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट का मेन काम क्या रहता है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ठीक है? इंटरनल ऑडिटर कौन है? जो मैनेजमेंट बनाता है, इसलिए मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, ठीक है? और वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, वो किसको कंफर्म करते हैं? लोग पार्टी से कंफर्म करते हैं कि माल खरीदा है कि नहीं खरीदा, राइट? फिर ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम की तरफ से टाइम टेबल होता है, उसको स्केड्यूल बोलते हैं ना ऑफ ऑडिट वर्क का। और वर्क परफॉर्म बाय अदर, दूसरे से काम करा के लेना, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट है। क्या है ये? प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। फिर विंडो ड्रेसिंग, मतलब एसेट्स को बढ़ाना, लाइबिलिटीज को घटाना, ये आंसर तुम लोगों को पढ़ा दिया। इंटरनल ऑडिट कंपनी खुद अपॉइंट करती है। क्वालिफिकेशन, मतलब ऑडिटर को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, सीए होना चाहिए, राइट? और वाउच, मतलब ऊपर ऊपर से चेक करना परचेस को, इनकम और एक्सपेंडिचर को वाउचिंग, ये सब आंसर एक्सप्लेन करा दिया है अच्छे से। टाइप्स ऑफ एरर, रूटीन मतलब डेली चेकिंग करना, ट्रू एंड फेयर मतलब सब तरीके से सही अकाउंट बनाना, कोई भी झोल घपला नहीं होता है। सीक्रेट रिजर्व मतलब होता है कंपनी क्या करती है, अपना प्रॉफिट का ऐसा छुपा के रखे ताकि टैक्स कम देना पड़े, प्रॉफिट कमीशन कम देना पड़े। ऑडिट नोटबुक, एक सेपरेटली नोटबुक बना था ऑडिटर, ये सब आंसर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया है, ओके? बस अच्छे से पढ़ लो आप लोग, थैंक यू।